हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर विनर। आज के वीडियो का टॉपिक है सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में। आज इसका एक रिव्यू वीडियो करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मैंने इसको खुद 3-4 महीने से यूज़ किया है, ये मेरा सेकंड परचेस है, तो इसीलिए एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। इसका जो पैकेजिंग में लिखा है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन पहुँचाती है आपके डेली स्किन में, सो यस, हाँ ये सही है। मैं जब इसको ऑफिस में लगा के जाती हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इजीली 7-8 घंटे ये हाइड्रेशन पहुँचाती है। इसका एक नॉन रिसीव फार्मूला है, मतलब अगर आप इसको मेकअप से पहले लगाते हो फिर इसको इसके ऊपर मेकअप करते हो तो आपके स्किन में कोई ऑयलीनेस फील नहीं होगा, कोई चिपचिपाहट फील नहीं होगा, लेकिन इंस्टेंटली हाइड्रेशन पहुँचाती है। ये हमारे पोर को जाके क्लॉग नहीं करती है, ये हमारे स्किन में जाके हमारे हाइड्रेशन को लॉक करती है, हमारे पोर को क्लियर रखती है ताकि कोई पिंपल्स या रैशेस का प्रॉब्लम ना हो। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हार्श केमिकल वाले, वो केमिकल हमारे स्किन में जाके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स करते हैं और हमारे जो पोर है उसको क्लॉग करते हैं। उससे ही हम लोगों को स्किन में पिंपल्स या रैशेस के प्रॉब्लम होते हैं। ये डर्माटोलॉजी टेस्टेड भी है, आप लोग देख सकते हो, और इसमें जो इसका जो केमिकल है, इसमें जो यूज़ किया है केमिकल की इंग्रेडिएंट्स, वो हमारे स्किन के लिए एकदम भी हार्श नहीं है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही माइल्ड है। ये सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, जैसे नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयल स्किन। सो ये 3-in-1 क्रीम है, तो मतलब इसको आप सारे स्किन टाइप में यूज़ कर सकते हो, इसको फेस एंड बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों में यूज़ करना इसको अलाउ है। मैं यूजुअली अपने फेस में यूज़ करती हूँ। मुझे कोई सेकंड टाइम इसको एक बार लगाने के बाद मुझे सेकंड टाइम इसको लगाना नहीं ज़रूरत नहीं होता है ऑफिस में। ईज़िली 7-8 घंटे ये मेरे स्किन में जाके बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेशन पहुँचाती है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन कोई भी ऑयलीनेस आपके स्किन में नहीं छोड़ता है। आपके स्किन का जो एक इनर ग्लो है वो इसको एनहांस करता है। इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इतना सा मैं फेस में लेती हूँ हर रोज़, तो ये मेरे स्किन में जाके बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी ऑयलीनेस नहीं होता है। इसका पैकेजिंग का एक खास बात है, तो यहाँ से अगर आपको बहुत ज़्यादा निकल जाए क्रीम तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, जैसे मैं करती हूँ हर रोज़, जल्दी में निकल जाता है। इसका प्राइस जो है 410 है, इसका 100 ml का 100 ml के पैकेजिंग में आता है। आप लोग सोच रहे हो कि 100 ml 410 के प्राइस में बहुत महंगा होगा, लेकिन आप अगर सिंगल इसको यूज़ करते हो तो इजीली 3-4 मंथ ये चल जाएगा, जैसे मेरा चलता है। अभी भी ये मेरा सेकंड परचेस है, लेकिन पहले वाला में अभी भी थोड़ा है। इसको लगाने के बाद कोई भी चिपचिपाहट फील नहीं होती है। मैं इसको बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो ये लोग ये क्रीम परचेस करके मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया है कि उसके उन लोगों के स्किन में बहुत अच्छी तरह से सूट भी हो गया है। इसका पैकेजिंग बहुत ही पोर्टेबल है, आप लोग कहीं भी इसको कोई भी बैग में इसको लेके कैरी कर सकते हो। मुझे तो ऑफिस में ही लेना लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती है। मेरे ख्याल से मैं इस लोशन को 5 में से 5 मार्क्स दूंगी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेटाफिल में ऐसा क्या खास बात है जो मैं इसको इतना मार्क देती हूँ 5 में से 5। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे स्किन पहले ऑयली था, अभी कॉम्बिनेशन हो गया है। मैं दोनों स्किन टाइप में इसको लगा के देख चुकी हूँ कि मेरी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। मेरे स्किन में पिंपल्स एंड रैशेस के प्रॉब्लम होते थे जब मैं डाबर गुलाबड़ी का कोल्ड क्रीम लगाती थी, लेकिन जब से उसको स्किप करके इसको लगाना स्टार्ट किया तो मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मैं कहती हूँ आप लोग सब ये इसको इस क्रीम को एक बार यूज़ करके देखो, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा एक वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने मैं लाने वाली हूँ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे।
तब तक के लिए बाय।